आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। मैनपुरी में स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 छात्रों की तबियत बिगड़ गई। आपको बता दें कि लाख छात्रों की तबियत बिगड़ने का कारण यहां पर दूषित पानी बताया जा रहा है। इस कॉलेज में 21 छात्रों की बीमार पड़ने की सूचना कॉलेज प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही बीमार छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमएस के मदन लाल ने बताया कि दूषित पानी पीने से बच्चों में घबराहट और चिड़चिड़ेपन के लक्षण दिखाई दिए। सभी बच्चे खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि फूड एंड सेफ्टी टीम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दूषित पानी का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया है। अभी पुलिस को सूचना मिली कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जन्नाहर में है, चलिए सूर्य बगल में, वहाँ से 3 बच्चे वाटर कूलर से पानी पिए हैं। पानी पीने के बाद इनको जीभ में चलाया है और शरीर में ऐठन हुई है, तो 3 बच्चे यहाँ पे एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि दवाई भी चल रही है, इनको कुछ पानी में कुछ गंदगी है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। पानी की सैंपल लिया जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है, उसमें क्या चाहिए। इनको कुछ इन्फेक्टेड या दूषित पानी पीने से जो साइन सिम्टम्स होते हैं, इरिटेशन या घबराहट, इस तरह के साइन सिम्टम्स हल्के फुल्के हुए हैं। कोई गंभीर साइन सिम्टम्स नहीं हैं और सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। कुल कितने बच्चे पहुँचे सर? 21 बच्चे पहुँचे हैं और सीओ साहब ने अवगत कराया है कि वहाँ पर फूड एंड सेफ्टी टीम ने पानी का सैंपल लेकर सील कर लिया है। उसकी जाँच करने पर पता चलेगा कि पानी में किस तरह की दिक्कत थी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मामला इसी से जुड़ा हुआ है। जनपद मैनपुरी में राजकीय इंटर कॉलेज में 21 छात्र दूषित पानी से पीने से बीमार हो गए। कॉलेज में हड़कंप मच गया तो तुरंत आनन फानन में सीएमएस पहुंचे और तमाम जो वहां के लोग हैं, स्टाफ कर्मी वहां पर पहुंचे और उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सीएमएस की टीम ने वाटर के सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पर इसे शामिल कर दिया। तो वहीं दूसरी वाली बात यह है कि सारे बच्चे, अब जो सारे छात्र थे, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो देखना यह भी दिलचस्प है कि जो एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर दूषित पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार विभाग की भी बड़ी लापरवाही साबित होती है। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमीरपुर में आज स्कूल जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बाइक सवारों ने छात्रा का पर्स छीना और बैग में फीस के लिए रखे 21,000 रुपए लूट लिए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वो स्कूल जाने के लिए वहाँ निकली घर से और खड़ी हुई थी यहाँ, तो वो दो लड़के आए मोटरसाइकिल से, तो बैग छीन के भाग गए। अच्छा, उसमें कितना रुपया था और कहाँ जा रही थी? रुपया 21,000 था। कहाँ जा रही थी आपकी बेटी? जयपुर स्कूल, फिर जमा करने थे 21,000 रुपया। उनका प्रोग्राम भी था, विदाई पार्टी थी लड़कियों की, इंटरवल विदाई पार्टी के लिए तैयार होकर गई थी। मेरा शिफा आदिल है और मैं बैग पकड़ के खड़ी होती थी, तो दो लोग आए, मेरा बैग छीन के भाग गए। कितना रुपया लेके? क्या था आपके बैग? उसमें 21,000 रुपये स्कूल की फीस पड़ी हुई थी और अब मेरे मेकअप और उस वैसे ऐसी वैसी चीज़ें पड़ी हुई थी और ईयरिंग अभी बैग में देखा तो वो नहीं है, उस पर वो नहीं चोरी हुआ है। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और कहाँ पढ़ती हैं आप? 12th क्लास की हूँ, सेठ आनंदम जयपुर स्कूल में। अभी यहाँ पे एक लड़की है, उनके पास से 21,000 रुपये छीनने की घटना हुई है। ऐसा अभी एक मोटरसाइकिल सवार दो लोग थे शायद, और उन्होंने 21,000 रुपये छीन के ले गए हैं यहाँ से। किस मुद्दे की घटना है सर? यही कस्बे की घटना है, हमीरपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा या स्लोगन आप सब ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार जो बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और उनके साथ अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिसिया प्रणाली पर सवाल भी पैदा करते हैं। मामला जनपद हमीरपुर से जुड़ा है। यहाँ पर 21 वर्षीय युवती अपने स्कूल जा रही होती है अपना फीस जमा करने और वहाँ दो नकाबपोश लुटेरे आते हैं जो उससे 21,000 लूट कर ले जाते हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और इलाके में नाकाबंदी करती है। तो वहीं तब तक लुटेरे
वहाँ से फरार हो चलते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस छात्रा से भी पूछताछ करती है और मामले की तफ्तीश करने में जुट जाती है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि एक तरफ तमाम दावे होते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, तो वहीं कहीं ना कहीं ऐसी दिन दहाड़े वारदात कहीं ना कहीं पुलिस या प्रणाली या फिर गश्ती पर भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।